ये है आई वेब मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज कटिहार। जिस ट्रेन को खुलना था टर्मिनल से, खुल गई प्लेटफॉर्म से, यात्री प्लेटफॉर्म पर करते रह गए इंतजार। जी हां, 6 जनवरी को कटिहार और मनिहारी के बीच चलने वाली 10:30 बजे की ट्रेन टर्मिनल की जगह प्लेटफॉर्म से खुल गई और यात्री स्टेशन पर इंतजार करते रह गए। छह जनवरी यानी रविवार को कटिहार रेल प्रशासन की एक ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसके कारण सैकड़ों यात्री स्टेशन पर इंतजार करते रह गए और ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन से खुल गई। सैकड़ों यात्री मनिहारी जाने के लिए कटिहार टर्मिनल पर यात्रा करने के इंतजार में खड़े थे और ट्रेन कटिहार के दूसरे स्टेशन यानी कटिहार जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 से खुल गई, जिससे यात्री हैरत में पड़ गए। लिहाजा हाथों में टिकट लिए यात्री अगली ट्रेन का इंतजार करने को बेबस हो गए। एक तो रेल प्रशासन की लापरवाही के कारण सैकड़ों यात्रियों की ट्रेन छूट गई, वहीं दूसरी ओर रेल प्रशासन के बद इंतजामी का आलम देखिए। ट्रेन छूट जाने के बाद अगली ट्रेन का इंतजार करने के लिए यात्रियों के लिए बना प्रतीक्षालय में ताला जड़ा है। अब ऐसे में यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। लिहाजा टर्मिनल पर ही इधर उधर खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठने को बेवश हो गए। स्टेशन जहां से गाड़ी मनिहारी को खुलता था वहां से गाड़ी नहीं खुला, गाड़ी 3 नंबर से खुल के चला गया। हम लोग इंतजार करते रह गए स्टेशन पर, लेकिन गाड़ी 3 नंबर से खुल के चला गया, हम लोग खड़े रह गए। आज हुआ कि हम इस पर इंतजार कर रहे हैं, 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी खुल के चली गई, हम इंतजार करते रह गए, मालूम पड़ा कि गाड़ी तो चला गया। अब यही समस्या है। आज तो रोज तो यहीं से खुलते थे, यही पुराने स्टेशन से। हमको मालूम नहीं है कि हम 3 नंबर प्लेटफॉर्म में जाते जाते गाड़ी खुल गई। अधिकारियों से जब इस बारे में हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि स्टेशन पर मौजूद हमारे प्रतिनिधि से पूछिए। हमने उस प्रतिनिधि से जब बात की तो उसने कहा कि बाबू का आदेश था, इसलिए 3 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन तो चल गई और यात्री जो हैं वो टर्मिनल पर इंतजार करते रह गए। अभी तक मनिहारी और कटिहार के बीच ट्रेनों के परिचालन को लेकर ना तो प्लेटफॉर्म तय है और ना ही इसकी मूलभूत सुविधाएं तय है। इस लापरवाही के चलते कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई और जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते रहे। टर्मिनल स्टेशन पर तैनात गणेश प्रसाद ने बताया कि मनिहारी जाने के लिए तय स्टेशन तो यही टर्मिनल स्टेशन ही है, पर ट्रेनों का परिचालन अधिकारियों के आदेश पर होता है। सो आज यानी 6 जनवरी को ट्रेन दूसरे स्टेशन यानी कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 से खुल गई। इससे पहले भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। ट्रेन तो सर अधिकारी जानेगा, हम तो नीचे वाला कर्मचारी हैं सर, और हम क्या कह सकते हैं आपसे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन वहाँ से खुल गई, लोग यहाँ इंतजार करते रह गए? आज एक दिन देखा, एक दिन पहले। क्या मनिहारी ट्रेन का कोई स्टेशन फिक्स नहीं है? स्टेशन तो यही फिक्स है सर, अब ऊपर वाले अधिकारी जैसा ऑर्डर करेगा हम वैसे बोल। ये कोई तय ही नहीं है कि कहाँ से खुलना है ट्रेन, हम लोग कैसे बोल सकते हैं सर। हम तो लोग नीचे वाला ऊपर वाला जैसे ले चलेगा वैसे करेगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर कुछ दिन पुरानी है और ये तस्वीर उसी 10:30 बजे सुबह की ट्रेन की है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये ट्रेन टर्मिनल से मनिहारी जाने के लिए रवाना होने वाली है। इस रूट के यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक नसीब नहीं है। लगभग 4 फीट ऊंची ट्रेन पर चढ़ने में खासी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कटिहार रेल प्रशासन क्या यही बेहतर रेल सुविधाएं देने का दम भरता है जिसमें किसी बच्चे या बुजुर्ग को ट्रेन पर चढ़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है? इतना ही नहीं, इस टर्मिनल पर कई मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जिसमें शौचालय और शुद्ध पेयजल की भी समस्या शामिल है। हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको इस ट्रेन की पूरी पड़ताल दिखाएंगे, क्योंकि उस प्यारे 125 करोड़ देशवासियों में ये लोग भी शामिल हैं जो इस ट्रेन में यात्रा करते हैं। विकास कुमार ओझा, टाइम्स न्यूज, कटिहार।
मेरे प्यारे 125 करोड़ देशवासियों में अगर ये देशवासी शामिल होते तो कम से कम एक ट्रेन को पकड़ने के लिए इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। जरूरत है इस मामले में शासन प्रशासन और सरकार को एक कठोर कदम उठाने की, ताकि 125 करोड़ देशवासियों को मिल रही रेलवे की सुविधाओं में ये देशवासी भी शामिल हो सके। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।